नमस्कार दोस्तों, आप सभी का औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईजी कॉर्न क्रीम के बारे में। यह जो क्रीम है बहुत ही फेमस क्रीम है। आज हम इसी क्रीम के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस क्रीम का यूज किन रोगों में किया जाता है, इसमें कौन सा कंटेंट यूज किया गया है, इस क्रीम के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसे कैसे लगाना है, कब लगाना है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए लास्ट तक देखें। अगर आपको दवा, घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर रोज़ाना आपको यह जानकारियाँ मिलेगी। आईजी कॉर्न क्रीम जो है आपको एक ट्यूब में 15 ग्राम में मिलेगा और इस 15 ग्राम को जो प्राइस है आपको 49.90 रुपये मिल जाएगा। यह क्रीम आपको सभी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस क्रीम को जो है लाइफ कॉम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। इसमें जो है कंटेंट 3 यूज किए गए हैं, फ्लुकोनाजोल, नियोमाइसिन सल्फेट, विक्लोमेथासोन। दोस्तों, इसमें स्ट्रॉयड, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक कंटेंट यूज किए गए हैं। इसका जो यूज है स्किन में फंगल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अगर आपके स्किन में या चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, दांत खुजली हो गई हो, यह क्रीम जो है इन सब बीमारियों को ख़त्म करता है। दोस्तों, इसे आप लगाने से पहले किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इसे आप दिन में 1 से 2 बार लगा सकते हैं। जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो स्किन में या चेहरे पे कहीं भी, आप उसे अच्छे से पहले धो ले पानी से, उसके बाद सुखा ले, उसके बाद आप वहाँ पर क्रीम लगाए। इस क्रीम को बाहरी त्वचा पे लगाना है, बच्चों से दूर रखना है, इसे जो है आँखों और मुंह में ना जाने पाए यह क्रीम। दोस्तों, इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट अगर लगाई जाने वाली जगह पर जो है रेडनेस हो सकता है या त्वचा पर रूखापन आ सकता है, त्वचा पतली हो सकती है, ऐसी समस्या हो सकती है। अगर आपको इस क्रीम को लगाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र आए या दिखे तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।